पार्टी से। बहुत स्वागत है शौकत अली आपका। जावेद अहमद हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है जावेद अहमद साहब आपका। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। सबसे पहले हरीश जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, किसान संसद लगाकर बैठ गए हैं संसद के ठीक बगल में, बहुत करीब। उनका यह मानना है कि सत्ता पक्ष तो सुन ही नहीं रहा था, जो विपक्ष के और प्रतिनिधि हैं, जो एमपीज हैं, वो भी नहीं सुन रहे, इसलिए उनको संसद लगानी पड़ रही है। और आपसे उनकी एक ही मांग है कि बहुत सारी मांगों को आप ही को पूरा करना है, वो चाहे कानून का हो या डीजल के दाम का हो या महंगाई का मामला हो, सारे मामलों पर किसान आंदोलन कर रहा है, टिकैत साहब ये दावा कर रहे हैं। देखिए, माननीय कृषि मंत्री जी ने कल ही ये बात कही थी कि सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। खुले मन से वो उनका आमंत्रण था कि किसान आवे। किसान में उस किसान बिल में जिन प्राविधानों पे उनको कोई आपत्ति है, सरकार उसको संशोधन के लिए तैयार है। पहले भी अनेक बार, ये लगभग 11 बार ये बैठकें हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं जो किसान संगठन है, जो लोग इस धरने प्रदर्शन में शामिल हैं, उनका नेतृत्व किसी न किसी दुराग्रह पूर्ण हठवादिता का शिकार है, जिसके कारण ये समस्या मुझे लगता है इतनी लंबी खींच रही है। कल भी मैं एक चैनल पे इसी मुद्दे को लेकर डिबेट पे था जी, और उसमें कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये सरकार का ये जो रिपील करने के इनकी मांग है, कानून रिपील किए जाएं, उसका वो स्वतः निंदा कर रहे थे कि इस तरह की मांग रखना कतई उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो किसान नेता हैं उनको इस हठवादिता से बाहर आना चाहिए, और माननीय कृषि मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बातचीत करके इसका समाधान खोजना चाहिए। हरीश जी, ये सवाल बहुत अहम इस वजह से हो जाता है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान संगठन हैं जो कि इस आंदोलन से अलग है, उनकी मांगे हैं लेकिन कुछ और है, वो पूरे कानून को लेकर मांग नहीं कर रहे, तो आखिर ये टिकैत इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहा है? सवाल तो ये भी आएगा, क्योंकि अब जब वो कानून की बात करते हैं तो कानून के बारे में पूछा जाता है, फिर कहा जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है बताइए, तो वो कहते हैं 370 हट गई है इसलिए आंदोलन चल रहा है, महंगाई है इसलिए आंदोलन चल रहा है, बीजेपी ने धोखा किया उनके साथ इसलिए आंदोलन चल रहा है। बड़ा हौचपौच सा है, और सबसे बड़ी समस्या तो ये कि बीजेपी से, तो बीजेपी से उनकी नाराजगी सपा से भी है, बसपा से भी है, कांग्रेस से भी हो गई है, ये कहकर कि असल में वो लोग हमारी आवाज नहीं उठा रहे सदन के अंदर, संसद के अंदर हमारी आवाज उनके प्रतिनिधि जो है, जो एमपीज हैं, वो नहीं उठा रहे। जावेद भाई, ये प्रश्न आपके लिए भी है, बीजेपी तो सत्ता में है तो उनसे जवाबदेह ही है, लेकिन कांग्रेस के जो एमपीज हैं वो भी चुपचाप बैठे हैं, टिकैत का ये आरोप है। देखिए अतुल भाई, मुझसे सवाल है ना? जी जी जावेद भाई। देखिए अतुल भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कोई बात नहीं उठाएंगे। हमारा जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने, हमारे नेताओं ने, चाहे वो राहुल जी हो, सोनिया जी हो या खड़गे जी हो, जो भी हमारे नेता सदन के अंदर हैं, उन्होंने किसानों की बात की है, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। भाजपा ने अगर टिकैत जी को धोखा दिया, टिकैत जी ने भाजपा को धोखा दिया। 2013 में टिकैत जी और भाजपा में बड़ा प्रेम था एक दूसरे के लिए, जंतर मंतर पर जीने मरने के लिए उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन देश का किसान समस्याग्रस्त है, देश के किसान किस हाल में है, आप उत्तर प्रदेश का ही हाल ले लीजिए, बिजली की दरें कितनी महंगी हो गई हैं, 68,000 रुपए सिंचाई के नलकूप के लिए जो सब्सिडी मिलती थी वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद कर दी, धान और गेहूं की खरीद क्या एमएसपी पर हो पाई इन 4.5 वर्षों में, क्या गन्ने की एएसपी को सरकार ने बढ़ाने का काम किया, फिर 21,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया उत्तर प्रदेश सरकार पर हो गया। तो इन समस्याओं पर बात न करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार, मेरा एक सवाल और है आदरणीय हरीश जी से, वो जब उनका नंबर आएगा तो वो बताएंगे अतुल जी आपके माध्यम से। जी 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 बोलिए। क्या चौधरी बद्री नारायण जी जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और आरएसएस का जो किसान संगठन है भारतीय किसान संघ, उसने जब अध्यादेश आया था इस आपदा काल में, कोरोना काल में केंद्र सरकार लेकर आई थी, उस समय पहली चिट्ठी
किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से चौधरी बद्री नारायण जी ने लिखी थी विरोध करते हुए, ये भ्रमित करते हैं और या स्वयं ये भ्रमित नहीं रहते। अब जैसे एक उदाहरण पर्याप्त है ताजा ताजा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना चाहती है, लेकिन जिस आरएसएस से भाजपा सीजन पाती है उसके मुखिया मोहन भागवत जी उस कानून का विरोध करते हैं। उन्हीं का एक प्रकल्प और है विश्व हिंदू परिषद जो विधि आयोग को चिट्ठी लिख देता है विरोध में, तो ये भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। किसान की डीएपी उसका किस तरीके से महंगी की आपने, और 5 किलो की गंडी मारी भी आपने कर ली, 50 किलो की बोरी को 45 किलो में आपने बदल दिया, दाम बढ़ा दिए। तो ये जो सारी चीजें हैं इन समस्याओं की जवाबदेही से बचने के लिए कभी किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता दिया जाता है, कभी उसको विदेशी फंडिंग पर चलने वाला आंदोलन बताया जाता। तो ये जो अतुल जी कारनामे होते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार की मनसा किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, और उसने अब तक इस आंदोलन में कितने किसान हमारे मर गए। ठीक है शौकत अली, यही सवाल जो कि जावेद भाई से था मेरा कि विपक्ष को भी उसी तरह से टिकैत घेर रहा है, और जो बात यहां पर जावेद साहब कह रहे हैं कि सरकार और सरकार के साथ किसान, अगर वहां पर हम देखें तो हम किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे, किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन टिकैत तो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी ही चर्चा हो। देखिए अतुल भाई, पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये आंदोलन जो है अप्रायोजित है, इसमें विपक्ष के लोग मिलकर जो है साजिश करके ये आंदोलन चलवा रहे हैं। अब तो कम से कम इसका भ्रम दूर हो गया होगा कि खुद टिकैत साहब ने ये बात कह दी कि हमें तो सबसे नाराजगी है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो और सरकार हो, सबसे नाराजगी व्यक्ति, तो इनका ये आरोप तो निराधार साबित हो गया। अब ये आरोप जो लगाया करते थे कि नहीं समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन को सहे दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो समझौता करना चाहते हैं, कानून इनके हित के लिए लाए, अब ये बात तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की झूठ साबित हो गई कि कोई भी प्रायोजित आंदोलन नहीं, किसान स्वयं आंदोलन कर रहे हैं। रही बात आवाज उठाने की अतुल जी, तो मुझे अभी भी याद है, चाहे सड़क की बात हो, सदन की बात हो, समाजवादी पार्टी ने सभी जगह आवाज उठाने का काम किया है और आगे भी हम लोग उठाते रहेंगे। अभी सदन चला, ठीक से नहीं चल पाया, आवाज नहीं उठ पाई चीजें, लेकिन हाँ, मैं ये विश्वास जोर दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है, और जब भी उनकी आवाज उठाने की बात आएगी, चाहे सड़क की बात हो, सदन की बात हो, हम दोनों जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। नहीं, कंधे से तो कंधा आप मिलाएंगे, टिकैत साहब ने कंधा झटक दिया है, आप पर आरोप लगा दिया, आप कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे हैं, पहले वो कहते थे कि नहीं साथ चाहिए, अब कहते हैं कोई साथ नहीं दे रहा, तो शौकत भाई धोखा हो गया ना आपके साथ। देखिए, हम किसानों के हितैषी हैं, समाजवादी पार्टी किसानों के हितैषी है, ये अच्छा हुआ कि टिकैत साहब ने कह दिया, वरना भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मानने को ही तैयार नहीं थे, कहते थे बार बार ये प्रायोजित है, धरना प्रायोजित किया गया है, विपक्ष के लोग सम्मिलित हैं, इसमें तो किसान है ही नहीं, इसमें तो सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इस तरह के आरोप लगे थे, अब वो आरोप पूरी तरह निराधारित साबित हो गए। हाँ, ये ठीक है, अगर आपको सहयोग नहीं चाहिए, बिल्कुल हम तो सहयोग देंगे, क्योंकि हम किसान हितैषी हैं और हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। किसान हितैषी तो सभी हैं शौकत भाई, किसान हितैषी तो सभी है, किसानों का हित तो हमने देखा ही है, कितने सालों से आपके भी रहते, इनके भी रहते, अगर सभी का हित देखा है। अभी जावेद भाई बता रहे थे, मैंने उस समय टोका नहीं, बाद में उस पर मैं आऊंगा कि कांग्रेस बहुत हितैषी है, बीजेपी कह रही है वो हितैषी है, बाजरे और गन्ने का मूल्य वो बता रहे थे, और राजस्थान में जहां पर बाजरे को लेकर इस वक्त इस तरीके की स्थिति बनी है, हरियाणा में रेट बढ़ गया, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में वो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो सब हित साधते अपने अपने हिसाब से और सब हितैषी हैं किसान के। देवेंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के। देवेंद भाई बहुत स्वागत है आपका, संसद अपनी खुद की आप लोगों ने लगा दी है, चलिए अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन सवाल यह है कि जब बॉर्डर से आवाज नहीं पहुंच पाई थी तो आप संसद लगाकर वहां पर पहुंचे हैं, किसको आवाज सुना रहे हैं यहां पर? सब तो आपके हितैषी ही है, सत्ता वाले भी हितैषी हैं और विपक्ष वाले भी हितैषी हैं, तो नाराजगी किस बात से? अगर सभी लोग हितैषी हैं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? पिछले 8-7 महीने से लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सभी लोगों का, अगर सभी लोग हितैषी हैं तो ध्यान देकर किसानों की जो मेन समस्या है उससे निजात दिलाना चाहिए, लोगों को उस पर काम करना चाहिए, लेकिन किसान नेता
मैं अपने को भी उससे जोड़ता हूँ कि सभी लोग अपने अपने लालच में अपनी अपनी राजनीतिक चीजें बढ़ाने के चक्कर में किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं पूरे देश और प्रदेश में उस पर चर्चा नहीं हो रही है। संसद लगाना हल नहीं है। किसान के लिए बिजली पानी जैसी तमाम बड़ी समस्याएं हैं, खाद से लेकर डीजल पेट्रोल इन सब चीजों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इस समय किसानों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ किसान नेता हम सबके भाई सब राजनीतिक चमक दमक दिखाना चाहते हैं। राकेश टिकैत के लिए तो नहीं कह रहे हैं देवेंद्र भाई, ये आपकी ईमानदारी है कि देखिए आपने सबसे पहले अपने आप को कहा मैं भी ऐसा कर रहा हूँ तो गलत है, लेकिन नहीं, लेकिन राकेश टिकैत को लेकर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए राकेश टिकैत कमोबेश इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असल जो चेहरा है इस वक्त वही बन गए हैं। वो अगर बयान ऐसे ऐसे बदलेंगे तो बीजेपी क्या कर लेगी, कांग्रेस क्या कर लेगी, समाजवादी पार्टी क्या कर लेगी? कभी वो कहते हैं कि नहीं कृषि कानून उसको रद्द करो, फिर वो कहते हैं नहीं 370 हट गया इसलिए आंदोलन चल रहा है, बंगाल चले गए थे हराने अब कह रहे हैं 24 में यहां पर बक्कल खोल देंगे, 22 में उसके पहले बक्कल खोल देंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं। इस तरीके का जो बयान बदलता है तो जावेद भाई भी कंफ्यूज है, हरीश भाई भी कंफ्यूज है और शौकत भाई भी कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि असल में वो क्या चाहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, प्रथम दृष्टया जब संघर्ष ये आंदोलन चला तो 27-28 दिन मेरा भी पूरा वहां पे रहा कि मैं रहा, लेकिन लोगों को जिस तरह से काम करना चाहिए किसानों के लिए नहीं हो रहा, लगातार वहां लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं, टिकैत साहब से भी हम लोगों ने कई बार बात की क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय स्तर पे अपने मंच का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए कई बार हम लोगों ने बैठक की, लेकिन जो उसका समावेश निकल के निचोड़ आ रहा है वो किसानों के लिए नहीं आ रहा है। तमाम इस टाइम धान की रोपाई चल रही है, बड़ी बात कह रहे हैं पेट्रोल, देवेंद्र भाई आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि जो किसान हितैषी बनकर नेता बनकर घूम रहे हैं। सरकार हटाने के लिए राकेश टिकैत से आपकी बात होती थी, किसानों की व्यवस्था कितनी अच्छी हो इसके लिए बैठे हैं। देवेंद्र भाई जब राकेश टिकैत से आपकी बात होती थी या जितनी बार भी बात हुई, आपको खुद क्या लगा जी, क्या वो वाकई किसानों का हित चाह रहे हैं या वो खुद कहीं कंफ्यूज है, उनका कहीं और हित उनको दिख रहा है? मैं बिल्कुल साफ कहता हूं किसानों के लिए मैं खड़ा हूं, ना कि किसानों के नेताओं के लिए जो राजनीतिक तलाश रहे कि हमें सांसद बनना विधायक बनना, ये बहुत ही गलत बात है। टिकैत साहब ने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह हम लोग लोगों को आगे खड़ा करके उनके पीछे से राजनीति करेंगे। किसान एक्चुअल में बहुत परेशान है, आप कहेंगे तो हजारों फुटेज, कल भी मैं अयोध्या तमाशा सहित तमाम जगह गया, किसान बहुत परेशान है, किसानों की बेसिक समस्याओं को जो हो रही है उनसे वो जूझ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि टीवी पे बैठ के लोगों को अपना फेस दिखाना चाह रहे हैं, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। आज का जो यूथ है उसमें काफी आपको भी बदलाव लगे, चाहे पुलिस विभाग में हो सेना में हो, सबका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, सब लोग चाहते हैं कि गांव गरीब और किसान की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर सरकार चाह रही है, सभी विपक्ष एक हैं, तो एक निर्णय ले लेना चाहिए किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं और इस पे एक बैठ के कृषि कानून को लेकर आप क्या चाहते हैं? कृषि कानून को लेकर जो असल मुद्दा है, जिस मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ देवेंद्र भाई, कृषि कानून को लेकर आप लोग क्या? कानून तो खत्म, कृषि कानून तो खत्म, दो साल तक उसमें कोई इंप्लीमेंट नहीं होना, तो फिर आंदोलन भी खत्म हो जाना चाहिए ना। केवल कानून को लेकर बात हो तो हम आज भी तैयार हैं साथ में वापस हो, आंदोलन भी तो खत्म होना चाहिए ना। टिकैत क्यों एकदम जम गए, टिक गए एकदम? कानून को लेकर जो हम लोग विरोध में गए थे उसका विरोध आज भी करते हैं, ना कि पंजाब बंगाल बिहार में मुझे चुनाव लड़ना है, हम किसान की बेसिक समस्याओं के लिए लड़ेंगे। हरीश श्रीवास्तव देखिए बहुत बेबाकी से यहाँ पर देवेंद्र भाई ने बताया कि आंदोलन का हिस्सा ये भी थे और हैं। कृषि कानून पर इन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि वो तो अभी फिलहाल 1.5 साल 2 साल के लिए ठप है, वो तो कोर्ट से कहा जा चुका है, फिर ये आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा और टिकैत की भूमिका कैसे आपको देख रहे हैं? क्योंकि जब देवेंद्र तिवारी बैठकर ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, इशारा कहीं ना कहीं वही है। नहीं अतुल जी, ये तो राकेश टिकैत जी के जो कृत्य हैं उसी से पूरी तरह से प्रमाणित है। जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंच को शेयर करके बीजेपी को हराने के लिए गए हों, या तरह तरह से जो पॉलिटिकल मोटिव को लेके काम कर रहे हैं, ये तो स्वतः प्रमाणित है। इसीलिए वो उनकी एक गलतफहमी है
और उस गलतफहमी में वो जी रहे हैं कि वो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसानों की समस्याएं, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, हम मानते हैं किसानों की समस्याएं, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत जी उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस तरीके से एक अटवादी रवैया अपना करके कहीं न कहीं सरकार को के खिलाफ एक अपप्रचार का एक मंच बनाए हुए है, वो गलत है। वो निहायत एक राजनीतिक उनका मोटिव से हो रहा है और राजनीतिक उनका ये प्रयास है। लेकिन जावेद साहब ने एक सवाल आपसे पूछा था हरीश जी कि सबसे पहली चिट्ठी शिकायत वाली कृषि कानून को लेकर तो आरएसएस के ही नेता ने की थी, आरएसएस के ही पदाधिकारी ने लिखी थी जो किसानों का एक तरीके से नेतृत्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आपके अंदर भी थी या वहां पर भी लोगों को लगा कुछ गड़बड़ी थी? अतुल जी, ये किसी भी नागरिक को, किसी भी संगठन को इस बात का पूर्ण अधिकार बनता है, उसका मौलिक अधिकार है कि किसी भी नीति को लेकर के, किसी भी कानून को लेकर के वो अपनी सहमत असहमत जता सकता है और सरकार को सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। सरकार सम्यक रूप से सारी चीजों पर विचार करती है और माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि सरकार तो खुले मन से उसको विचार करने के लिए तैयार है। आप देखिए कि शुरुआती दौर में दो बातों को लेकर के इनका सबसे ज्यादा फोकस था कि साहब सरकार तो एमएसपी को समाप्त करने जा रही है, सरकार मंडियों को समाप्त करने जा रही है। आपने देखा कभी हालिया जो पैकेज सरकार ने, केंद्र सरकार ने जारी किए, उसमें मंडियों को सुदृढ़ करने के लिए मुझे लगता है 23,000 करोड़ के आसपास का आर्थिक पैकेज दिया है। और एमएसपी पे भी अगर आप 2014 के सापेक्ष आज की स्थिति में देख लें तो लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं और रिकॉर्ड खरीदारी हुई है एमएसपी पे। और उससे ठीक है, जावेद अहमद साहब, मेरा सवाल अब आपसे है। आप कह रहे थे कि सरकार में ये हो रहा है, किसान परेशान है। ना, 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 अच्छा, देवेंद्र तिवारी कुछ कह रहे हैं आप? देवेंद्र तिवारी जी, ये कह रहा हूं कि इनका कहना गलत है कि खरीद पूरी तरह से हो रही है, किसान परेशान है, उसकी गेहूं की फसल अभी तक नहीं ली गई है, धान बोने वाला हो गया है। सरकार का, मैं कह रहा हूं, कोई भी सरकार अगर बैठ के कोई बिल लाती है किसानों पे, पत्रकारों पे, गरीबों पे, तो बेसिक लोगों से पूछना चाहिए कि वो कैसा दर्द है, क्या वो चाहते, गांव में कैसे मैं हम अपना सामान सुरक्षित रखें, लेकिन ना कि कारपोरेट लोगों को ला करके ऊपर ऊपर बिल या कोई। बीजेपी भी साफ नहीं है, उसके भी मन में छल है, क्योंकि किसान की कोई भी पॉलिसी बनने तो किसान से पूछ के करिए ना। डॉक्टर की कोई पॉलिसी बन रही, डॉक्टर से पूछ के करिए ना। नर्स की बन रही, नर्स से पूछ के करिए ना, कि आप ऊपर बैठे सर्वोपरि भगवान है कि बिल्कुल आप बैठे और आप। हरीश जी, हरीश जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से उसके बाद मैं जावेद भाई के पास जाऊंगा। हरीश, बहुत अच्छा किया। नहीं, मैं देवेंद्र जी को जवाब देता हूँ। इस कानून को लेकर के इसके पहले नीति आयोग ने इससे जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबसे बात किया था और राकेश टिकैत जी भी उसमें शामिल थे, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। और आज ये कहना कि साहब, अरे राकेश टिकैत जी कौन है कि नॉर्मल किसान से बात करे, देवेंद्र तिवारी कौन है नॉर्मल, आप जो कमेटियां हैं उनसे बात करिए ना, जो छोटा किसान है। देवेंद्र भाई, राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता हो गए, आप कह रहे हैं वो कौन है? देवेंद्र जी, किसानों के जरिए ही तो उनकी नेतागिरी चल रही है। हम पूरी दुनिया, हम भी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम नहीं कि भुइयां कहाँ जगेगी, पेड़ में लगेगी कि जमीन में, नेतागिरी क्या मतलब है भाई? एक नेता बुला दो जो खाद बोले गेहूं कैसे कटता है बिना मतलब की। आप भी बीजेपी में बैठ के कह देते हैं हम सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों पे कोई काम नहीं हो रहा है। बोलिए, भाषण न करिए। हम जो है खेती भी जानते हैं, भाषण तो बीजेपी देती है, हम लोग भाषण देना जानते हैं। आप भेजिए किसी प्रतिनिधि मंडल को, हम दिखाते हैं जमीन पे कैसे काम होता है। कटाई भी जानते हैं, आप ही नहीं खेती किसानी जानते हैं। केवल अपने को सर्वज्ञ नहीं समझ लेना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो खेती किसानी जुड़े हैं और खेती किसानी करते हैं, हम लोग भी उसमें से। ठीक है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगा हरीश जी, लौट के आऊंगा सुर्खियों के साथ, जावेद भाई से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।
चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। जावेद भाई, सवाल ये है जो कि देवेंद्र तिवारी उठा रहे हैं, सारे सवाल जो कि राजनीतिक दलों पर आते हैं वो तो खुद अपने नेता जो किसानों के नेता बने घूम रहे हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि नेतागिरी के चक्कर में आंदोलन खिंच रहा है और मांग पूरी नहीं हो रही है। कानून को लेकर तो कोर्ट ने कह दिया है, अभी फिलहाल वो लागू नहीं हो रहा है, तो फिर इस आंदोलन का, इस संसद का और पक्ष और विपक्ष दोनों पर दबाव बनाने का क्या मतलब है? अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि सवाल नहीं उठा रहे तो बीजेपी के तो वैसे ही नहीं उठाएंगे क्योंकि उनकी सरकार है, सपा के लोग साथ दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनको लग रहा है। आपको खुद व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता है कि राकेश टिकैत की भूमिका या फिर जो किसान नेताओं की भूमिका है वो यहां पर कहीं ना कहीं इसको खींचने की है, ये चलता रहे आंदोलन? देखिए अतुल जी, मैंने पहले भी कहा कि किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये देश के सभी किसानों की बात है। राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी क्या कह रहे हैं, योगेंद्र यादव जी की क्या भूमिका है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। ये देवेंद्र जी का और उनका अपना व्यक्तिगत मामला है या उनके संगठन का मामला है। बहुत सीधी सी बात है कि किस तरीके से किसान को के गले पर फांसी का फंदा डालने का काम किया गया। जब आप लगातार किसानों से वार्ता कर रहे थे, किसी तरीके से आपने वार्ता शुरू की, 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार थी, तो इसको निरस्त करने में क्या दिक्कत आई? फिर 2 साल के लिए आपने क्यों इसको स्टे किया अगर ये देश और किसानों के हित में था? बहुत से इस तरीके के सवाल उठेंगे। किसान को MSP मिल जाए, ये आप लगातार कहते हैं। देखिए किस तरीके से क्या हो जाता है, किस तरीके से एक प्राइवेट प्लेयर आता है और वो सरकारी कंपनी को खा जाने का काम करता है। इसी तरीके से जब आप बाजार को सरकार के नियंत्रण के बाहर कर देने का काम करेंगे, उसको कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले कर देने का काम करेंगे, तो इस देश की एक तो कैसे हो रहा है कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले, यही तो मैं समझना चाहता हूँ ना। देखिए यही अतुल जी, यही तो है कि उसके लिए एक दो उदाहरण पर्याप्त है। न कोई घुसा था, न घुसा है, न कोई घुस पाएगा, न मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेगी, न जासूसी हुई है, न जासूसी कोई कर रहा है, फिर भी सरकार बचाव में खड़ी है। जिन्होंने जासूसी करा दी है, सरकार के हाथ उसकी गर्दन तक क्यों नहीं जा रहे कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी हो, हमारे देश के नेताओं की जासूसी हो, पत्रकारों की जासूसी हो? जावेद भाई, अब जासूसी पर जाएंगे ना तो बहुत दूर तक बात जाएगी। मैं फिर याद दिलाऊंगा कांग्रेस के दौर के भी जासूसी कांड, वो सब छोड़िए ना। मेरा सवाल ये था, इस वक्त में जो आपने कहा कि प्राइवेट लोगों की एंट्री, ये एक पॉइंट है जिसको रखा गया था, कैसे? मैं ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस अगर ये कह रही है तो कैसे? आप अगर किसान हितैषी हैं, अगर आप किसान हितैषी हैं, जावेद भाई सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कांग्रेस किसान हितैषी है, आप यहाँ गन्ना खरीद की बात कर रहे थे, मैं अगर राजस्थान में जाऊं तो वहां पर बाजरे का रेट क्या है और हरियाणा में क्या है, डबल का अंतर आ जाता है हरियाणा में? क्यों आखिर किसानों का हित वहां पर नहीं दिख रहा है? किसान का बाजरा बिक किस मूल पर रहा है? बिहार में मक्का किस मूल पर? बिहार पर अभी मत जाइए, वहां आप सरकार में नहीं है, राजस्थान में आप सरकार में, वहां बाजरे की कीमत आपने क्या रखी है? हरियाणा में तो खट्टर सरकार ने बढ़ाकर रखा है। किसान हितैषी कौन है भाई? मैं कैसे मानूं कि बीजेपी किसान हितैषी है, कांग्रेस किसान हितैषी है, समाजवादी पार्टी किसान हितैषी है? मुझे तो सब एक जैसे दिख रहा है ना। फिर कानून व्यवस्था राज्य का विषय है या नहीं है, उसमें केंद्र क्यों हस्तक्षेप करना चाहता है? कानून व्यवस्था पर कहाँ आ गया भाई, कृषि कानून पर हम आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर चले गए ऐसे? जावेद भाई बिल्कुल, टिकैत साहब भी ना, राकेश टिकैत भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। देवेंद्र तिवारी, जावेद अहमद साहब जो कह रहे हैं, क्या कांग्रेस किसान हितैषी है आपको लगता है? जी, कोई भी हितैषी नहीं है। हमने कई बार कहा, दिल्ली में कई बार कहा कि अगर विपक्ष में रहना है, दबाव बनाना, तो एक झंडे के नीचे आओ ना, सब अपनी राजनीति विपक्ष के भी चमकाना चाह रहे हैं। कई बार इस पे हुआ, जनता दल बना, तमाम पार्टियां बनी, कांग्रेस के खिलाफ तमाम ऐसे मोर्चे बने, लेकिन यहाँ पे सब लोग पद प्रतिष्ठा के भूखे हैं, ना कि आम जनमानस के लिए कोई काम करना चाहता है। आप आरोप मत लगाइए,
या तो आप सीधे बताइए कि आप भाजपा के लिए कर रहे हैं। अब ये मत बताइए, आपकी अच्छी गवर्नमेंट होती तो बीजेपी ना आती। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे होते तो बीजेपी के और नहीं आना होता, और अभी भी आप लोग भटके हुए हैं। उकसा के कोई चीज नहीं हो सकती है। जहां आपकी सरकार है, जहां बीजेपी के सब लोग मिलके करो ना। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं पूरे देश में, उसमें आप लोग कुछ करो ना। पेट्रोल अगर सरकार नहीं कर रही, हम उसके घोर विरोध में हैं। तो जहाँ जहाँ अपनी आप सबकी विपक्ष की है सरकार, वहाँ पे पेट्रोल डीजल के काम कम करिए, टैक्सेस कम करके, लेकिन सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रही है। बनाने का काम है नेताओं का, और सबको गुमराह कर रहे हैं। नहीं, जो जो चीजें हैं उनको गोल गोल मत घुमाइए, किसानों की बात करिए। अगर बीजेपी का विरोध करना, कांग्रेस का विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ क्यों कम नहीं करते? फिर हम कह रहे हैं एकजुट होकर सब लोग एक होके भी जहाँ जहाँ स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, दबाव बनाइए कि पेट्रोल डीजल कम किया जाए। लेकिन वो नहीं करना है, सिर्फ राजनीतिक छोटे लोगों को भटकाना है। शौकत अली, किसानों का ये बात कर रहे हैं तिवारी, हो रही है। जो विपक्ष कर सकता है वो नहीं कर रहा है, सरकार जो कर सकती थी वो नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी विडंबना है देवेंद्र तिवारी के लिए भी, कि ये तो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद ही अपनी बात को मान रहे हैं कि हितैषी किसान का कोई कैसे होगा जब किसानों के नाम पर नेता बनकर टहल रहे हैं लोग, और गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनका आंदोलन का दल चल रहा है। वो खुद उनके हितैषी नहीं है, उनकी अपनी राजनीति चल रही है, तो किसान कहां है बीच में? लेकिन शौकत भाई, आपकी पार्टी जो कि खड़ी है किसानों के साथ, मान नहीं रहे किसान। देवेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि सबने यही किया है। आज आप कह रहे हैं ये गन्ना नहीं खरीद रहे हैं, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है। आपके रहते कितना बकाया था वो भी हमें पता है, और किसानों को भी पता है। देखिए अतुल भाई, तकरीबन 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, 200 से 300 से लोग शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि आंदोलन प्रायोजित है। मैं पूछना चाहता हूं, शायद ये लोग भूल गए हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद राकेश टिकैत साहब ने कहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थक भी हूं और मैंने वोट देकर सरकार बनाई है। उन्होंने ये भी दोहराया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, लखनऊ से सांसद हैं, अगर वो आ जाएं तो ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कहा जाता है कि विपक्ष आवाज नहीं, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा होता तो मुझे लगता है इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं होता। विपक्ष पूरी तरह इनके साथ खड़ा था, और इसी का उदाहरण है कि अभी तक ये आंदोलन चल रहा है। अगर विपक्ष सहयोग ना कर रहा होता तो ये आंदोलन टूट जाता। विपक्ष ने किसानों की आवाज दमदारी से उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन सत्ता का तो नशा देखिए महाराज, 11 बार बैठक कर लिए लेकिन निर्णय आज भी कुछ नहीं हुआ। 200 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, उसके बाद भी मौन व्रत रखे हुए हैं, और कहा जाता है साहब विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा। अगर विपक्ष ना आवाज उठा रहा होता तो मुझे लगता है ये आंदोलन कब का तोड़ दिया होता सरकार ने। क्या प्रयास नहीं किए सरकार ने? कभी आतंकवादी घोषित कर दिया, कभी मवाली घोषित कर दिया, कभी कुछ भी कह दिया, उनको जो दिल में आया वो किया। और षड्यंत्र की तो प्रकाष्ठा पार हो गई थी तब, जब देश की राजधानी में भी दंगे करवाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और विपक्ष ने जमकर साथ दिया था कि ये किसान नहीं हो सकते हैं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, ये कभी दंगा नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने के तैयार नहीं थे। खैर, मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा, मीडिया ने तमाम चीजों की खबरें चलाई और कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रायोजित दंगा करवा रहे थे, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे थे, तब इनकी आंख खुली और फिर बाद में लोग माफी मांगने लगे। अरे नहीं नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं। देखिए विपक्ष पूरी तरह किसानों के साथ है, लेकिन बसरते यह है कि जो देश की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, वो किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। अगर मुझे लगता सुनना चाहती तो देश में एक मौत भी होती तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसका दर्द एहसास होता और ये कहता कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। 11 बार बैठक करने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकल पाए और उसके बाद इधर उधर लोगों के मत्थे ठीठरा फोड़ने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने सहयोग नहीं किया, उन्होंने सहयोग नहीं किया। महाराज विपक्ष ने सहयोग नहीं किया। विपक्ष तो कल भी कह रहा था कि हम आपके साथ हैं, आप इनकी बात सुनने का काम करिए, आप बात सुनने को तैयार नहीं। हरीश श्रीवास्तव, शौकत अली जी को तो ये कतई नैतिक हक नहीं बनता कि वो अपने किसान है तैसी बोले। समाजवादी पार्टी की 2012 से लेके 2017 विधानसभा तक के चुनाव तक उत्तर प्रदेश में सरकार रही, बुंदेलखंड का किसान घास खा के घास खा रहा था। इनको शर्म आनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है किसान हितैषी है तो करके उसने दिखाया है। बुंदेलखंड के 22 लाख
हेक्टेयर किसानों को 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी दिया है, अर्जुन सहायक परियोजना को पूरी करके और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को पूरी करके किसानों के खेत में पानी देने का काम किया, जहां फसलें लहरा रही हैं। आज इनको शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी कार्यकाल में अगर 9 लाख टन गेहूं खरीदा गया था तो योगी सरकार में 56 लाख टन गेहूं खरीदा गया। आप किसानों की खरीद इनको शर्म नहीं आती है? समाजवादी पार्टी को किसान हितैषी कहते हैं, ये सब केवल किसान हितैषी होने का ढोंग रखते हैं। अगर किसान हितैषी कोई है अच्छा, तो विचारधारा दूसरों को ढोंगी जी है और जिनकी विचारधारा ही योगी जी है, जो किसानों की समृद्धि के लिए खड़े हैं, पुरखे हत्यारे हैं वो ढोंगी कहेंगे। अरे आपके पुरखे क्या है, आपके पुरखे क्या है वो देखिए, आपके पुरखे क्या है पहले उसको आईने में देख लीजिए। अपने कहे पर भी हमने कहा ना, पहले पहले आईने में देख लीजिए कि आपके पुरखे क्या है। अपना को नहीं आईने में देखिए पहले कि आपके पुरखों ने देश के साथ क्या किया, आपके पुरखे ने आपके पुरखों ने देश के साथ क्या किया वो आप आईने में देखिए। पूरा इतिहास जावेद साहब पूरा इतिहास गवाह है। तुम्हें दूसरे को दिखाइए, मैं चाहूंगा कि किसानों पे कुछ बात हो। केवल कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है हरीश जी, जरा एक मिनट रुक जाइए। हरीश श्रीवास्तव साहब एक मिनट रुकिए, हरीश श्रीवास्तव साहब एक मिनट रुक जाइए। जावेद अहमद जी, अब आप चले गए पुरखों पर, उनके सावरकर का इस किसान बिल से और कानून से क्या लेना देना था, और आप बड़े हितैषी हैं तो जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कृषि कानून इन्होंने बनाया बहुत खराब है, स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया था और उसकी रिपोर्ट आपके रहते रहते क्यों नहीं लागू हुई? 10 साल दबा के क्यों बैठे थे? तब कांग्रेस को किसने रोका था? क्या किसानों से उस स्वामीनाथन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाकर क्यों बैठे थे, लागू क्यों नहीं किया? सीधा सवाल है, सीधा सवाल है जावेद भाई, जावेद भाई सीधा सवाल। आयोग आपने बनाया, आयोग की रिपोर्ट का 10 साल दबा कर बैठे रहे आप, क्यों नहीं लागू किया? इतनी चिंता थी किसानों की तो, इतनी चिंता थी किसानों की तो क्यों नहीं लागू किया? स्वामीनाथन आयोग आपने बनाया, रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया, जो सिफारिशें की गई उसको क्यों नहीं लागू किया किसानों के लिए? 10 साल सत्ता की मलाई चाटी आपने, सीना ठोक के मत बताइए, ये बताइए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाकर कांग्रेस क्यों बैठी रही? अगर किसानों की इतनी चिंता थी तो हम वो लोग हैं। अरे आप कौन लोग हैं हमें पता है, आप कौन लोग हैं हमें पता है, आप कौन लोग हैं हमें पता है, आप कौन लोग हैं हमें पता है? आपके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ जावेद अहमद, आप कौन लोग हैं वो हमें पता है, आपके बारे में उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसान की इतनी चिंता थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कि आयोग आपने ही बनाया क्यों दबा कर बैठे थे? नहीं मिलेगा जवाब, नहीं मिलेगा जवाब, नहीं मिलेगा आपको जवाब, नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। जावेद भाई दूसरों का पुरखा देखना छोड़िए, अपने पुरखों के बारे में और अपने कर्म के बारे में बात होनी चाहिए। देवेंद्र तिवारी, देवेंद्र तिवारी आपके न मानने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, सच सची रहेगा। 10 साल बैठे थे सत्ता में और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बहुत चिंता की आपने किसानों की, मुझे पता है, मुझे पता है बहुत चिंता की है, जब इतनी चिंता की है कि आपके रहते रहते सबसे ज्यादा सत्ता में तो आप ही थे ना, समाजवादी पार्टी और यहाँ बीजेपी ने की सत्ता में, इतनी चिंता थी तो किसान की स्थिति ये न होती आज। बहरहाल उनका 7 साल और आपके बाकी के साल छोड़ दें। देवेंद्र तिवारी, देवेंद्र तिवारी, देवेंद्र तिवारी मेरा सवाल है आपसे, जावेद भाई शांत हो जाइए, जावेद भाई सब लोग शांत हो जाइए। अगर किसानों को लेकर, किसानों को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, अब चुनाव आने वाले हैं पिछले 6 महीने में, तो कोई बताएगा ज्यादा होता है किसानों को छला जाएगा और फिर राजनीति झूठ और ऐसे लोग हो जाएगा। शांत रहिए, देवेंद्र तिवारी को तो बिल्कुल ही हम बता रहे ना कि ये कांग्रेस में बैठकर क्या कर रहे थे, ये जो आज किसानों की स्थिति है क्या हो गई है, आप भी उसके जिम्मेदार हैं। पिछली गवर्नमेंटों ने किसानों के लिए क्या किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए, मत बताइए मुझे, मैं व्यक्तिगत डिबेट करने नहीं बैठा हूँ, मैं किसानों के लिए बात कर रहा हूँ। अब आप हमको मत बताइए कि आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, आप अपना देखो। मैं आज टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप
आप आइए किसानों का आमने सामने बात करिए आके कि आप भटक रहे हैं कि हम भटक रहे हैं, दर दर घूमना पड़ रहा है एक आदमी के लिए। अगर किसानों और गरीबों के लिए काम किया होता तो इस तरह घूमना ना पड़ता कि आज हमको आप जोड़ लो, आज हमको आप जोड़ लो। अरे किसानों से जुड़ो, देश के जवानों से जुड़ो, जो आपको सबको दिल से लगाएगा। इतने सालों लगाया लेकिन अभी भी आप चैनल ढूंढ रहे हैं, सामने पूरा देश है और तुम चैनल ढूंढ रहे हो अभी भी। इसीलिए इस कंडीशन में पहुंचे हो, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, चैनल के चक्कर में पड़े हैं अभी भी। लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे सब घूमो, खुद घूमो, लेकिन किसानों के लिए काम करो। कम से कम अन्न खाते हो तो दो शब्द किसानों के लिए भी बोल दो कि आप अपने जहां से हो वहीं पे कुछ किसानों के लिए अच्छा करोगे। जिन लोगों ने गलत किया उनके लिए गलत बोलो, जो सही किया उनके लिए सही बोलो। जिन जिन चीजों पे जिन सरकारों ने ठीक किया, इस टाइम बेसिक समस्या थी बिजली में, यूपी में मीटर लगा दिए गए पानी के, उसमें उस पर कोई नहीं बोलेगा कि ट्यूबवेल में मीटर लगा दिया गया, किसान कैसे खेत सींचेगा। यही स्थिति खाद में है, कितनी महंगी हो गई है, लेकिन 6 महीने बाद चुनाव है तो सबको चुनाव दिख रहा है। अभी हिंदू मुस्लिम दिखने लगेगा, अभी बैठ के और सारी चीजें दिखने लगेगा कि हमें इससे खतरा, हमें उससे खतरा, हमें तो आप लोगों से खतरा है, देश के नेताओं से खतरा है। किसानों का हक मारकर बड़े बड़े लग्जरियस तरीके से जी रहे हैं, किसान बेचारा वैसे ही तहल टहल रहा है। नौ से लॉन्ग बूट की जो जूते है उनकी जरूरत, ग्लव्स है, काम कर रहा हो लगातार। देवेंद्र भाई सुनिए सुनिए, अब मेरा सवाल यह है, फाइनल कमेंट आप करिए। सबको नेतागिरी दिख रही है, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, सपा को भी, बाकी दलों को भी। राकेश टिकैत जैसे लोग अगर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो किसको क्या दिख रहा है, पहले तो ये सवाल होगा। ये आप लोगों को पूछना चाहिए, आप लोग पूछ रहे हैं क्या, क्यों नहीं आप बता रहे हैं किसानों को कि ये व्यक्ति जो है या इस तरह के जो लोग हैं जो आपके नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके नाम पर अपना नाम बना रहे हैं। और दूसरा, जब आप खुद कह रहे हैं कि कानून तो खत्म, फिलहाल 2 साल के लिए खत्म, तो ये आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा है, उससे कौन सी दुकान और किसकी दुकान चल रही है, ये भी तो किसानों को और आप जैसे लोगों को पूछना चाहिए ना। देवेंद्र तिवारी जी, सवाल सुन लिया आपने, मैंने बोल लिया, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? नहीं आए आवाज, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। चलिए अब आ रही है तो फिर से सवाल दोहराता हूं। ये जो टिकैत या उनके जैसे नेता किसानों के नाम पर नेतागिरी चमका रहे हैं, उनसे कौन पूछेगा, जो आप खुद कह रहे हैं कि कृषि कानून तो फिलहाल खत्म, तो ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, उसमें किसको क्या दिख रहा है। देवेंद्र भाई जी जी, तो अब इस समय टिकैत जी को भी हम लोग आपकी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन तक भी मैं खबर पहुंचाना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया है, लगातार 500-600 लोग वहां पे मर गए हैं। सरकार से बैठकर एक अच्छी बात करनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। उनका भी कहना है कि सरकार से वार्ता हो, वार्ता करके इन सब चीजों को खत्म करके फिर से, जब जो चीज है ही नहीं, जो बिल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है उसको लेकर इतना संशय क्यों, या तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं या फिर अपने नेता पे भरोसा। राकेश टिकैत को अभी चुनाव दिख रहा है, चुनाव 22 का और उसके बाद 24 का भी चुनाव दिख रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि असल में उनका विजन क्या है और किसके इशारे पर कहां से वो काम कर रहे हैं। किसानों के नाम पर अपना काम बना रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, रकम बना रहे हैं, सीधी बात कर रहा हूं यहां से बैठकर। और अगर सरकार कह रही है आइए बात करिए, तो फिर वो कहते हैं बक्कल तोड़ दूंगा, फिर वो कहते हैं कि ये तो यहां की बोलचाल की भाषा है इसलिए मैंने बोल दिया, फिर 370 पर चले जाते हैं। जरा उत्तर प्रदेश के उस हिस्से के किसानों से पूछ लिए कि 370 पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और क्या है, कश्मीर से अगर वो धारा हटाई गई तो कंफ्यूज अगर इतना व्यक्ति वो खुद है, तो फिर आखिर किसानों का भला कैसे होगा। सरकार अलग से भला करना चाहती है, वो जो किसानों के नेता हैं वो अलग से भला करना चाहते हैं, सब इतना भला करना चाहते हैं कि किसान कहता है भैया दूर रहो इनसे, हम अपना खुद का भला कर लें, वही बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तिवारी आपका, हरीश जी आपका, शौकत भाई आपका और जावेद भाई आपका। तो बड़ी बहस में हमने चर्चा की और साफ तौर पर देखिए किसानों के अंदर ही जो उनके नेता हैं
उनके अंदर ये बात और ये भावना आ चुकी है कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ दूसरी वजहों से खींचा जा रहा है। आवाज अगर उठानी थी तो आवाज उठी, कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा है। मुद्दे किसानों के और बहुत सारे हैं, अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी बिजली का मुद्दा है, महंगे खाद का मुद्दा है, डीजल का मुद्दा है, इन समस्याओं को लेकर अगर कोई बात कर रहा है तो समझ में आता है। लेकिन अगर इनकी आड़ में और कृषि कानून को सामने रखकर ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है और संसद लगाई जा रही है, ये चंद किसान नेताओं की सिर्फ नौटंकी दिखाई देती है, उस आम किसान से इसका कोई लेना देना नहीं है जिसने जान गंवा दी या जो अभी भी अपने घर पर खेती किसानी कर रहा है, वो समस्या से ग्रसित है, लेकिन वो इन तरह के लोगों के साथ नहीं खड़ा है। नमस्कार।